So, what's up, it up? I'm Gautam and I'm presenting you Wrestling Mania. So, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के बारे में, जो कि फाइनल रॉ होगी बिफोर रॉयल रंबल पे पर यू, और अब से कुछ ही घंटे दूर है। और ये रॉ हमें देखने को मिलेगी ओक्लाहोमा सिटी में। तो यहाँ पर WWE चाहेगी कि वो अपने रॉयल रंबल पे पर यू को काफी अच्छी तरह से सेल कर सके फाइनल रॉ पर। सो इस वीडियो में हम सारी प्रेडिक्शंस की बात करने वाले कि हमें नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ पर क्या कुछ देखने को मिल सकता है। सो इस वीडियो का एंड तक देखते रहिएगा। सो बिना कोई देरी किए हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो की चीज यहाँ पर कन्फर्म है कि हमें एक वुमेन्स टैग टीम मैच देखने को मिलेगा रॉ वुमेन चैंपियन रोंडा नटालिया वर्सेस शाशा बैंक्स एंड बेले के बीच में। अब अगली थिंग की बात करते हैं जो कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिल सकती है इस वीक मंडे नाइट रॉ पर, और ये हमें देखने को मिल सकता है बॉबी लैशली का चैंपियनशिप सेलिब्रेशन। जैसा कि हमने लास्ट वीक देखा था कि यहाँ पर बॉबी लैशली ने ट्रिपल थ्रेट मैच जीत लिया था जब उन्होंने डीन एम्ब्रोस को यहाँ पर पिन किया था और वो बन गए थे न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बॉबी लैशली अपना चैंपियनशिप सेलिब्रेशन इस वीक मंडे नाइट रॉ पर करने वाले हैं। तो ऐसे में हमें ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर इस चैंपियनशिप सेलिब्रेशन को कौन इंटरप्ट करता है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर डीन एम्ब्रोस को अपना वापस से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का रीमैच चाहिएगा। साथ साथ जैसे कि हमने फ्यूड देखी है कि बॉबी लैशली और सेथ रॉलिंस के बीच में काफी कुछ तगड़ा पक रहा है मंडे नाइट रॉ पर। तो ऐसे में हमें देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर इस वीक हमें कौन सा सुपरस्टार बॉबी लैशली के अगेंस्ट फाइट करता नजर आता है। लेकिन यहाँ पर कंफर्म है कि हमें बॉबी लैशली अपना चैंपियनशिप सेलिब्रेशन करते नजर आएंगे इस वीक मंडे नाइट रॉ पर। अब अगली थिंग की बात करते हैं और जो कि कंफर्म हमें देखने को मिल सकती है, और ये हमें देखने को मिल सकता है ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड विंस मैकमैन का सेगमेंट। जैसा कि हमने देखा था कि लास्ट वीक के जो ब्रॉन स्ट्रोमैन के एक्शंस थे उनके चलते यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन को बाहर कर दिया गया था रॉयल रंबल पेपरव्यू से, जिसके बाद में ब्रॉन स्ट्रोमैन ने जो विंस मैकमैन की लिमोजिन थी उसको पलट भी दिया था। तो इसके चलते यहाँ पर विंस मैकमैन ब्रॉन स्ट्रोमैन के सामने कुछ ऐसी सिचुएशन रखते हैं कि अगर उन्हें अपना मैच जीत देते हैं अगर उन्हें किसी सुपरस्टार के साथ में, और अगर वो अपना मैच जीत जाते तो उन्हें यहाँ पर रॉयल रंबल मैच भी ऐड कर सकते हैं। साथ साथ ब्रॉन स्ट्रोमैन अपने इंटरव्यू में भी यहाँ पर कुछ ऐसा कहा था कि उन्होंने जो अपने विंस मैकमैन बॉस है उनके साथ में थोड़ी दुश्मनी क्रिएट कर ली है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में जो मंडे नाइट रॉ आएगी वहां पर वो कोशिश करेंगे कि वो रॉयल रंबल पेपरव्यू का किसी तरह हिस्सा हो सके और वो मेंस रॉयल रंबल मैच में किसी तरह पार्टिसिपेट कर सके। तो इसके चलते यहाँ पर मे बी हमें इस वीक मंडे नाइट रॉ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन और विंस मैकमैन के बीच में एक काफी बड़ा सेगमेंट देखने को मिल सकता है, जिसके बाद में विंस मैकमैन यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन के सामने कुछ ऐसी सिचुएशन रख सकते हैं कि अगर ब्रॉन स्ट्रोमैन उन सिचुएशंस को क्लियर कर जाते हैं तो यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन को मेंस रॉयल रंबल मैच में उनका एक काफी बड़ा स्पॉट भी मिल सकता है। अब नेक्स्ट थिंग की बात करते हैं जो कि यहाँ पर देखने को मिल सकती है और यहाँ पर जिनको एडवर्टाइज किया जा रहा है वो है यहाँ पर ब्रॉक लेसनर। और जाहिर सी बात है कि फाइनल रॉ होगी बिफोर रॉयल रंबल पे पर यू, यहाँ पर कंफर्म है कि हमें यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉक लेसनर मंडे नाइट रॉ पर देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ अब यहाँ पर हमें फिन बैलर और ब्रॉक लेसनर के बीच में काफी बड़ा कन्फ्रंटेशन भी देखने को मिल सकता है। जैसा कि हमें पता है कि लास्ट वीक फिन बैलर ने फेटल फोर वे मैच जीत के अपना स्पॉट कंफर्म कर लिया रॉयल रंबल पेपर में, जहां पर वो फेस करेंगे ब्रॉक लेसनर को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। तो इसके चलते यहाँ पर हमें फिन बैलर और ब्रॉक लेसनर का काफी बड़ा कन्फ्रंटेशन भी देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर WWE इस मैच इस सेगमेंट के अंदर किसको अपर हैंड दिलाती है ये तो नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पर अगर WWE फिन बैलर को एक अपर हैंड दिलाती है ब्रॉक लेसनर पर, जहां पर फिन बैलर भारी पड़ते हैं ब्रॉक लेसनर पर मंडे नाइट रॉ पर, या ब्रॉक लेसनर फिन बैलर पर भारी पड़ते हैं ये तो मंडे नाइट रॉ पर ही पता चलेगा। लेकिन इस सेगमेंट में काफी मजा आने वाला है कि आखिर फिन बैलर क्या कुछ कहने वाले हैं, साथ ही साथ ब्रॉक लेसनर किस तरह से ब्रॉक लेसनर के क्या रिएक्शन होने वाले हैं फिन बैलर को लेकर। फाइनल कन्फ्रंटेशन की जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है, और ये हमें देखने को मिल सकता है रॉयल रंबल के सारे पार्टिसिपेंट्स का कन्फ्रंटेशन। जैसा कि हम देखते हैं कि जो फाइनल रो दिखाई जाती है बिफोर रॉयल रंबल पेपर के लिए, यहाँ पर काफी सारे सुपरस्टार्स रिंग के अंदर मौजूद रहते हैं, जहां पर बाद में काफी बड़ा क्योस क्रिएट हो जाता है और जो भी सुपरस्टार लास्ट में रिंग में बचता है वो यहाँ पर साइन दिखाता है कि वो रॉयल रंबल पेपर यू जीतने वाला है। तो इस वीक भी हमें मंडे नाइट रॉ पर ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है, जहां पर रिंग में ड्रू मैकइंटायर, जॉन सीना, सेथ रॉलिंस, एलायस, बैरन कॉर्बिन ये सब होंगे और ये सब साइन करेंगे कि वो रॉयल रंबल मैच जीतने वाले, और लास्ट में किसी एक सुपरस्टार का काफी बड़ा अपर हैंड देखने को मिल सकता है और वो यहाँ पर साइन करेगा कि वो रॉयल रंबल पेपर यू जीतने वाला है। साथ साथ ये भी देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर इस वीक कौन सा सुपरस्टार एक मोमेंट गेन करता है अपनी मंडे नाइट रॉ पर और रॉयल रंबल पेपर में काफी बड़े मोमेंटम के साथ में परफॉर्म करता है। सो गाइस कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है कि मैं नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ पर क्या कुछ देखने को मिल सकता है, साथ साथ आपको क्या लगता है कि मैं बॉबी लैशली का सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आप क्या कहना चाहोगे फिन बैलर और ब्रॉक लेसनर के कन्फ्रंटेशन को लेकर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको WWE के रेगुलर अपडेट्स, न्यूज, रूमर्स, प्रेडिक्शंस और इंटरेस्टिंग ओपिनियन जानने को मिलते रहे। सो गाइस बी सेफ, टेक केयर, टिल नेक्स्ट वीडियो।